वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक। फिर से वापस आ गई हूँ मैं। मैंने घर का सारा काम कर लिया। जब मैं सुबह जल्दी घर का काम कर लेती हूँ ना, तो मुझे इतनी खुशी होती है ना। यहाँ पर डुगू भी आ गए हैं। गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस, फॉलो कर लो। डुगू रोज आप एक ही डायलॉग मारते हो। मैं पर इतनी डायलॉग है। अभी डुगू खा रहे हैं कढ़ी चावल और साथ में पी रहे हैं चॉकलेट शेक। और मैंने अपने लिए ना चाय बनाई है। मेरा दिल हो रहा चाय पीने का। मैं चाय पी के और साथ में ये इसको बंद बोलते हैं ना, बंद खाऊंगी। मैंने ना आज से डांस क्लास शुरू करी है। चलो कोई बात नहीं, पतली हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, बढ़ूंगी तो नहीं ना, और तो फिट रह लूँगी थोड़ी। मतलब ये है कि थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करके ना बॉडी फिट रहती है। तो आज से डांस क्लास भी मैंने जाना, तो मैंने कहा खाली पेट क्या ही जाना, वहाँ पे पता लगे डांस करते करते चक्कर आ जाए। तो थोड़ी सी चाय और ब्रेड खा के जा रही हूँ। तो चलो ठीक है, फटाफट से खा लेते हैं। मेरी चाय ठंडी हो रही है। सो गाइस, सुबह सुबह देख लो हमारे घर पे कौन आया है। भाभी, सत श्री अकाल, कैसे हो? भाभी बहुत बिजी हो गई है। भाभी के पास ननंद के लिए टाइम नहीं है। ऐसे भाभी के पास ननंद के लिए बिल्कुल टाइम नहीं बचा। मैं यहाँ से मुड़ रही थी, फिर मैंने कहा नहीं, मैं और भाभी ने ना आते एक जबरदस्त बात करी है, मेरा दिल खुश हो गया। सुबह सुबह भाभी ने ना डुगू को बोला डुगू आ कितने मोटे हो गए। हाँ डुगू देख लो, भाभी भी यही कह रही है। और उसका इल्जाम भी गाइस मेरे पे ही आया। डुगू कह रहे हर बार तुम ही लेके जाती हो बाहर खाने का, हर बार। ये तो सरासर ना इंसाफी है। हर बार मैं नहीं लेके जाती, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने झूठे है ना, इतने झूठे। और ये खुद भी बोलते हैं ये हर बार सही है, वो भी इनकी साइड। ठीक है गाइस, मैं ही गलत हूँ, मैं ही गलत हूँ। गाइस अभी डुगू जा चुके हैं और टाइम हो चुका है 10:30, 11:30 मुझे घर से निकलना है। भाभी कर रही है ब्रेकफास्ट। बता दो तो कैसी बनी है कड़ी? अच्छी बनी है। मैं तैयार हो जाती हूँ। मैंने भाभी को ऊपर ही ले, मैंने कहा आप ऊपर बैठ के ब्रेकफास्ट करो, मैं फटाफट से रेडी हो जाऊँ, क्योंकि मैं नीचे बैठी तो मैं लेट हो जाऊंगी। सो गाइज मैं रेडी हूँ और नीचे उतर रही हूँ जाने के लिए। सॉरी भाभी आप आए हो, मैं आपके पास बैठ भी नहीं पाई। मुझे भी काम करना है यार। भाभी ना पोस्ट ऑफिस आई थी, परी की मम्मी का फोन भी आ गया। हेलो हेलो, गाइज अभी मैं एक्सरसाइज करके वापस आ गई हूँ घर पे। सबसे बड़ा टास्क है ऊपर चढ़ना। मेरी कमर और मेरी लेग्स दोनों ने जवाब दे दिया है। ऑफलाइन और ऑनलाइन एक्सरसाइज में बहुत डिफरेंस होता है। ऑफलाइन ना हालत ख़राब हो जाती है, और वैसे भी अभी फर्स्ट डे था ना, तो 1 वीक तो लगेगा मुझे स्टेबल होने में। अब धीरे धीरे चढ़ रही हूँ ऊपर। सो गाइज अभी मैंने नहा लिया, मैं रेडी भी हो चुकी हूँ। जपू का टाइम हो गया, नीचे उतर रही हूँ। और बहुत अच्छा सा फील हो रहा है ना, मतलब सुबह जल्दी उठी, घर का सारा काम किया, एक्सरसाइज भी करी, बॉडी भी अच्छी लग रही है। मतलब ऐसे लग रहा है कि हाँ कुछ किया आज, तो बहुत अच्छा सा फील हो रहा है। तो अभी जा रही हूँ जपू को स्कूल लेने। हल्की फुल्की लेग्स पेन है, पर उतनी नहीं है, ठीक है, बियरेबल है। चलो गर्मी बहुत है, अब धूप के नज़ारे लिए जाएँ। हेलो जपनूर व्लॉग, कैसे हैं गर्मी के मौसम में? मम्मी इतनी गर्मी, अब तो ऊपर से एसी, इतना आज मैंने एसी से उठा चलवा दिया। एसी तो पहले भी चल रहा था, पर वो गर्म हवा दे रहा था, फिर मैम ने ना एसी करवा दिया। करवा दिया, सही हो गया। बहुत अच्छी आ रही है। और फिर पानी पी लिया? हाँ जी। गर्मी देखो भाई, धूप इतनी हद से ज्यादा कि बाहर निकलने का दिल ना करे, है ना। आज मैंने भी एक्सरसाइज करी, आज मैं भी एरोबिक्स गई थी। मैंने बच्चों को पकड़ाई खेलती है, बर्फ पानी खेला और मजा आया। ऊपर से ना ऊपर है सोची है, सबने सोची है। ये देख लो गाइज इनके काम, घर के अंदर आते ही मैं कह रही कदम से क्रोकोडाइल से आ गया भाई। सही हो बेटे, सही हो, तुम लोग सही हो, सही जा रहे हो। ये न्यू मेहमान हमारे घर में रात को आया है,
और ये हमें बहुत अच्छा और बहुत सुंदर भी लग रहा है। एकदम से बाहर से आके देखो तो बंदा डर जाए। ये हमने रखा इसलिए हमारे घर में कोई आए ना। चल आज अब्बू चले, इनके घर में कोई आए ना, चलो चलिए। हेलो नंगू, हेलो कौन बोल रही है गंदी बच्ची नंदी। हेलो गाइस कहते हो, हेलो गाइस नहीं करेगी। ये दोनों भाई नंगू पुंगू होके घूम रहे, नहाए हो अभी अभी तो गुड बॉय है ना इसलिए। सो गाइस देख लो इतनी गर्मी में 10 मिनट मैं अपनी शरी के घर बैठने आई हूँ। रास्ते से मैंने सब्जियां भी ले ली, जप्पू के लिए भिंडी और डुगू के लिए बैंगन। आलू बैंगन और भिंडी दोनों बनेगी आज, क्योंकि जप्पू ना आलू बैंगन खुश होकर खाता नहीं है, फिर लंच भी नहीं लेके जाता ढंग से, इसलिए जप्पू के लिए भिंडी। अब 10 मिनट यहाँ पे रेस्ट करूंगी, पसीने ऐसे आ रहे जैसे पानी मुंह पे डाला हुआ है ना। सो गाइज अभी जप्पू और मैं घर पे आ चुके हैं और जप्पू को मैंने आते ही दिया खाना, क्योंकि इसको लगी थी भूख, क्योंकि मेरे कढ़ी चावल सुबह से ही बने हुए थे। तो मैं भी खाना खाने जा रही हूँ, कढ़ी चावल और साथ में सैलेड। मैंने खीरा लिया है। मैं एकदम से सब कुछ नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि मैं अपना मन नहीं मार सकती। हाँ मैं कम कर दूंगी खाना, बाहर से कम कर दूंगी खाना, पर मैं घर का सब कुछ खाने वाली हूँ। रात को कम खाया करूंगी, आफ्टरनून में मैं प्रॉपर खाना खाऊंगी जैसे मैं खाती हूँ पहले भी, कोई इतना ज्यादा भी नहीं खाती हूँ, नॉर्मल खाती हूँ, वो खाना मैं खाऊंगी। तो चलो ठीक है फटाफट से खा लेते हैं खाना, भूख लगी जोरों शोरों वाली। सो गाइस ट्यूशन पढ़ा ली और किचन में आ चुकी हूँ, वही रोज के काम। पता नहीं आज थकावट सी लग रही है और लेग्स भी पेन कर रही है, मैं भी तो अभी होंगी मुझे लगता है 1 वीक। तो अभी मैंने यहाँ पर भिंडी भी कट कर ली और आलू बैंगन भी कट कर लिया आपके सामने। आफ्टरनून में दोनों सब्जियां ली थी, दोनों को कट कर लिया। और किचन के अंदर काम देख लो, बॉटल्स इतनी सारी खाली हो गई हैं, ये तो चलो कूड़ा ही तो फेंकना है, और बर्तन भी धोने वाले हैं, तो पूरा काम खत्म करना है। सो गाइज एक सब्जी तो मैंने रेडी करने के लिए मसाला रेडी कर लिया, इसमें मैंने एक बड़ा प्याज बारीक बारीक और हरी मिर्ची बारीक बारीक कट करके डाली है। गाइज यहाँ पर भिंडी की सब्जी के लिए ऑयल गर्म हो रहा है और भिंडी वेट में है कि कब मैं कढ़ाई के अंदर जाऊं। और यहाँ पर मैंने दूसरी सब्जी के लिए 2 प्याज, छोटा सा टुकड़ा अदरक और 4 हरी मिर्ची और 8 टमाटोज लिए हैं। इनकी करेंगे प्यूरी, इनको करेंगे बारीक बारीक कट। अभी यहाँ पर दूसरी सब्जी का मसाला भी मैंने रेडी कर लिया है, टमाटोज की प्यूरी बना ली है और ये मसाला कट कर लिया है। भिंडी यहाँ पर बन रही है और यहाँ पर हमारे जपनूर व्लॉग्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स का होमवर्क कर रहा है। जब आज तेरे को कोई पता क्या कह रहा था, तो स्टडी नहीं करता, सारा दिन टैब देखता, पूरा दिन टैब देखता, इतना दिन टैब देखता, इतनी सारी टैब देखता। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पूरा दिन टैब देखता है तो स्टडी भी करता हूँ। तो स्टडी करो, इसका मतलब ये नहीं पूरा दिन टैब देखो। तेरे को मम्मा मना करती, तेरे को समझ में नहीं आता ना, तेरे को 2 मिनट मना करो, 3 मिनट तू फिर दोबारा इधर उधर होके टैब उठा लेता है ना। डर नहीं लगता ना मम्मा से तेरे को, पर ये पढ़ता तो है गाइस, होमवर्क तो ये करके जाता रोज, और डर्निंग वर्क भी करता है डेली। तो अभी कर ली, हो गया होमवर्क है, हाथ लगा के दिखाई तू हूने टैब। अभी दूसरी सब्जी के लिए कुकर रख दिया मैंने गैस पे, क्योंकि मैंने सब्जी कुकर में बनाने तो इतने बर्तन जूठे क्या करने हैं। भिंडी ऑलमोस्ट होने ही वाली है। भिंडी के अंदर मैंने टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मैं, फिर 2-4 मिनट इसको सिम पे छोड़ के फिर बंद कर दूंगी। गाइस मेरा मसाला ऑलमोस्ट रेडी है, मैंने इसके अंदर टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, जो सारे मसाले मैंने ऑलवेज हर सब्जी में डालती हूँ, हल्दी, लाल मिर्च, काली मिर्च, कसूरी मेथी, गरम मसाला, वो सब इसके अंदर डाल दिया है। बस इसको मिक्स करना है, मिक्स करके इसके अंदर ये सब्जी डालनी है। यहाँ पे गैस जल रही है, मैंने एक वीडियो बनाने के लिए इसको इधर किया है, बस फटाफट से इसको यहाँ ट्रांसफर करने लगी हूँ दोबारा से। बस इसके अंदर ये सब्जी ऐड करूँगी, थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मैं रख दूँगी बनने के लिए। 2 सीटी दिलवा के 10 से 15 मिनट मैं इसको सिम पे रखूँगी। सो गाइस सारे बर्तन धो लिए गए हैं, सब्जी भी बन गई है, किचन पूरी क्लीन हो गई है, पानी की बॉटल सारी भर के मैंने फ्रिज में लगा दी है और ये बॉटल ऊपर की है, इसको ऊपर लेके जाना है। मैं अब थक गई हूँ और डुगू के आने का टाइम भी हो गया, पर अभी डुगू आए नहीं है, 5-10 मिनट है, अब मैं 5-10 मिनट लेटूंगी। अब मेरी बैक पेन हो रही है सीरियसली। सो ये देखो गाइस, अभी पापा कर रहे हैं इंजीनियरिंग, है ना? क्या इंजीनियरिंग? इंजीनियरिंग क्या होती है? इंजीन जो भी है, अभी पापा बन रहे इंजीनियर, कर रहे हैं कार की बैटरी चेंज। नहीं लाए हो? दूसरी गाड़ी में से निकालूंगा ना। ओ सो अभी बैटरी निकाली जा रही है, अभी बैटरी। सो गाइस
अभी पापा ने बैटरी तो बदल ली थी और उसके बाद बैटरी बदल के ना मम्मी क्या हुआ आप बताओ क्या हुआ बैटरी बदल के क्या हुआ इस गाड़ी में बैटरी बदल के क्या हुआ आप बताओ आपको पता है ना उर्वे पापा जी की लाओ जी कांच भी टूट गया सो गाइस अभी घर पे आ चुके हैं अरे गाड़ी टुकड़े थोड़ी अपनी सही करवानी थी वो करवा ली अब खाना बनाना है सब्जी आलू बैंगन की बन गई थी मेरी आटा गूंदा हुआ डुगू बोल रहे परांठा खाना तो परांठा बनाने लगी हूँ फटाफट वैसे अब दिल नहीं हो रहा खाना बनाने का पर खाना तो बनाना ही पड़ेगा थक गई हूँ अपना लेट गई थी ना तो उसकी वजह से लेग्स अब पेन कर रही हैं पेन तो सुबह से ही कर रही थी पर अब ज़्यादा कर रही हैं चलो फटाफट से खाना खाते हैं फिर जाएंगे ऊपर लेटने सो रश्मि से आलू बैंगन रेडी हैं नमक मैंने टेस्ट कर लिया बिल्कुल परफेक्ट है मैं ऐसे रश्मि से इसलिए बनाती हूँ क्योंकि डुगू आलू बैंगन के साथ राइस खाते हैं पर फिलहाल मैं बनाने जा रही हूँ पराठा भी पराठा और सुबह राइस ठीक है रात को राइस नहीं मिलते ना डुगू को ना मुझे ना जप्पू को रेयर केस में होता है जब हम दाल चावल बनाते हैं तो रात को राइस होता है अदरवाइज तो सुबह ही बनते हैं तो अभी फटाफट से बनाने जा रही हूँ खाना तो गाइस दोनों ने खाना खा लिया है अब मैं खाने लगी हूँ मैंने अपने लिए सिर्फ दो रोटी बनाई है मैं परांठा नहीं खा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा तो बनता है ना इतनी ज़्यादा अभी आज फर्स्ट डे ही है फिर वही सब खाई जाऊँगी तो फ़ायदा ही क्या होगा है ना थोड़ा करूँगी मैंने आपको आफ्टरनून में ही बोला था कि मैं प्रॉपर नहीं करूँगी बिल्कुल सब कुछ छोड़ने वाली नहीं हूँ मैं खाऊँगी अपना मन भी नहीं मारने वाली पर मैं कम कर दूँगी और रात को तो मैं वैसे ही परांठे परांठे तो वैसे ही मैं गर्मी में खा नहीं सकती मुझे एसिड बनता है कभी शौक से हफ्ते में एक दो बार खा लूँ तो खा लूँ अब मैं वो भी कम करने वाली हूँ ख़त्म ही करूँगी परांठे तो चलो कर लेती हूँ फटाफट से डिनर थकावट हो रही है जाके बस सोना है मुझे अब सो गाइज अभी टाइम है आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई करने के तो मैं अभी ऊपर आ चुकी हूँ बहुत ज़्यादा कमेंट्स के रिप्लाई मैं आज करने नहीं वाली क्योंकि मैं थक गई हूँ ठीक है कुलविंदर सिंह जी ने कमेंट किया है थैंक यू सो मच आप रोज़ बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स करते हो स्वीटी सोडी वेरी नाइस व्लॉग यम्मी यम्मी कढ़ी चावल मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं मैं आपके सारे व्लॉग देखती हूँ थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो जब टाइम मिलता है तब देख लेते हैं पर देखना रोज़ है आप सब बहुत स्वीट हो लव यू फैमिली थैंक यू सो मच आप पहले अपनी तबीयत देखो क्योंकि हम सही हैं तो तभी हम कुछ देख पाएंगे ना तो गॉड ब्लेस यू आप जल्दी जल्दी से सही हो जाओ रूपाली कुकरेजा हेलो जी डियर आई एम बैक फॉर श्री अनंतपुर साहिब धाम से आ गई हूँ कैसे हो आप डियर यमी व्लॉग ऑसम व्लॉग जब जी हेलो लॉट्स ऑफ लव वीर जी हेलो आप कैसे हो आप अन्नपूर्णा हो कुछ भी बनाओ अच्छा बनता है भूख भी लग जाती है व्लॉग देखकर स्टेबलाइज्ड ऑलवेज ट्यून भी बना तो मैं देती हूँ अब कैसा बनता है कैसा नहीं वो तो डुगू को पता है या जप्पू को पता है पर चलो अच्छा आप घूम के आए अच्छे से दर्शन हुए मज़ा आया है ना तो बढ़िया है ऐसे सबको घूमना चाहिए प्रिया हिरानी नाइस व्लॉग मेरी जपना क्यूटी पाई जान कैसे हो आप सब आपका व्लॉग देखकर मुंह में पानी आ गया नाइस यमी कढ़ी चावल आज लेट हो गई हूँ व्लॉग देखने में दीदी मैं न्यू सब्सक्राइबर नहीं हूँ मुझे 1 ईयर हो गया है आपके व्लॉग देखते पर मैं कमेंट नहीं करती हूँ अब करने लगी हूँ थैंक यू सो मच आप कमेंट्स करते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में भी मज़ा आता रिप्लाई करने में भी मज़ा आता मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ज्योति मग्गो लव यू जपनूर फैमिली आपका शोरूम कहाँ है तिलक नगर में जेल रोड पे है पंजाबी भंगड़ा एंड गेमिंग हेलो हरलीन आज तुम कमाल ही कर देती मार्केट गए कुछ खा के भी नहीं आई ये कमाल में रोज करने की सोची है जो पॉसिबल हो पाया था जरूर होगा ये रोज होगा मनीषा कौर हरलीन तुम बहुत प्यारे हो यार लुधियाना आए था जरूर मिलियो बिल्कुल जब भी मैं लुधियाना आऊँगी तो मैं पहले अपडेट करूँगी इंस्टा स्टोरी पे तो मैं सबको मिलके जाऊंगी पिंकी प्रॉमिस यूट्यूब पे भी मैं पोस्ट डालूंगी और कम्युनिटी में और मैं इंस्टा स्टोरी पे भी डालूंगी जब भी मैं लुधियाना आई मैं वैसे डुगू को जल्दी मनाऊंगी लुधियाना आने के लिए मैं शॉपिंग करूंगी लुधियाना आके सुजाता भदोला ये क्या केमिकल लोचा कर दिया हरलीन जी मेरी इंटा विद मिल्क ये लोचा ना डुगू के घर पे होता था हमारे घर पे तो ये लोचा कभी नहीं हुआ डुगू बचपन से पीते आ रहे हैं तो मैंने भी सीख लिया है ना जो हस्बैंड खाए पिए वो तो बनाना ही पड़ेगा ना बाकी मे भी मुझे लगता है सबको मेरी कड़ी बहुत अच्छी लगी देखने में डुगू अच्छी बनी थी खाने में भी अच्छी बनी थी मुझे वेरी गुड मैं अच्छी बोलूंगा मैंने रोज रोटी जो खानी है मतलब मैं अच्छा खाना नहीं बनाती है ना डुगू चलो पसीने पसीने हो गया माय पोस्ट आप
गुड आफ्टरनून जप्पू, वेरी नाइस लोग, यम्मी यम्मी कड़ी पकौड़ा, आपकी स्किन ग्लोइंग है दी, येलो एंड ग्रीन सूट बहुत अच्छा लगता है, यू ऑलवेज लुकिंग ब्यूटीफुल। मैं सीरियसली बताऊँ तो मुझे अपना वो येलो और ग्रीन सूट मुझे खुद को भी बहुत अच्छा लग रहा था पहन के, बाकी मुझे पता नहीं और कुछ मेरे पे अच्छा लगता है या नहीं, पर मुझे वो सूट तो बहुत ही पसंद आया था, बना भी बहुत अच्छा है। ओह, एक कमेंट है बहुत ही ब्यूटीफुल सा था, सुनीता राजपूत दीदी कड़ी कैसी बनी थी, बहुत यम्मी लग रही थी, मैं दिन में आपका व्लॉग देखती हूँ और दोबारा जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते हैं तो वो देखते हैं तो उनके साथ भी देखती हूँ। थैंक यू सो मच यार इतना प्यार करने के लिए, लिटरली पता नहीं डिजर्विंग है या नहीं है पर सीरियसली आप इतना प्यार करते हो, थैंक यू सो मच। निशा राकेश, हेलो गोलू मोलू दी, यम्मी यम्मी कड़ी दी जल्दी जलंधर में दी, जलंधर में 50 के 3 किलो मिल रहे हैं प्याज, रुको जलंधर में 50 के 3 किलो मिल रहे हैं, चलो आप जलंधर से ले आएंगे इतना सारा किराया लगा के, अरे रब्बा। रूपाली वर्मा, गॉड ब्लेस यू, आई ऑलवेज सी योर डेली व्लॉग, इट्स अमेजिंग, थैंक यू सो मच। रीटा बरक्ता बोल रही है डुगु हरलीन छोटे से जपनूर की तरह होगी मैं जपनूर की तरह पता नहीं यार, मैं थी जपनूर की तरह नहीं थी, बहुत छोटी की फोटोज तो मुझे लगता है कभी पूछी भी नहीं मम्मा से होंगी या नहीं होंगी, कभी ध्यान भी नहीं दिया। चित्रा कौशल, नाइस लोग, आपने जो फ्रिज का फ्लावर वाला कवर लिया है वो कहाँ से और कितने का लिया, और जो आपने चेन वेयर की है वो गोल्ड की है उस पर क्या लिखा है? मेरी चेन गोल्ड की है, मेरी चेन पर हरलीन लिखा है, ये देखो मेरी चेन पे हरलीन लिखा है, सेम डुगू के पास भी है, डुगू की चेन पे शिंकू लिखा है, हम दोनों ने सेम सेम बनवाई थी। और फ्रिज का कवर हमने अमेज़न से लिया था ना डुगू, फ्लिपकार्ट से लिया था, नहीं 550 का है याद है मुझे, हाँ 550 का था, 550 का लिया था, फ्लिपकार्ट से लिया था, रेट मुझे याद है। दी जप्पू, चित्रा कौशल जी, दी जप्पू का टैब लेने का टाइम पीरियड बड़ा ज़्यादा बढ़ा लो, ज़्यादा टैब लेने से आईज भी वीक होती हैं और मेमोरी भी, जप्पू को ज़्यादा टाइम स्टडी के लिए कहा करो, व्लॉग में तो पढ़ाई करता दिखता नहीं, 1 और 2 और के लिए स्टडी करता होगा, बच्चा अच्छी एजुकेशन लेगा तभी अच्छा है, आजकल बहुत कंपटीशन है, लिटरली आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, अच्छी स्टडी की बहुत ज़्यादा नीड है। जप्पू का मैं बताऊँ तो मैं लिटरली अगर जैसे वो ट्यूशन टाइम पे पढ़ता है मेरे पास, तो ट्यूशन टाइम पे मैं व्लॉगिंग करती नहीं हूँ, तो मेरा जप्पू स्टडी में टच वुड बहुत अच्छा है, मैं जैसे जप्पू को समझाऊँ वो बहुत जल्दी से कैच करता है, और टैब लेने का अब टाइम उसके पास कम हो गया है क्योंकि सुबह वो स्कूल चला जाता है, 2 बजे वो स्कूल से आता है ना, बच्चा थका हुआ आया थोड़ी देर लेगा ही लेगा टैब, थोड़ी देर वो टैब लेता है, दिल करे तो सो जाता है, नहीं तो सोता तो 3:30 पे वो मेरे पास क्लास लेता है, कभी 5:30 कभी 6 बजे वो फ्री होता है, ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ी देर टैब लेता है, फिर उसके बाद फिर अपना होमवर्क करता है, फिर रात हो जाती है, फिर डुगू आ जाते हैं, मतलब ऐसे पूरा दिन बीत जाता है। पूजा त्रिलोक, हेलो जी, 25 मार्च को हम जलंधर स्टेशन पे आपसे मिलने पक्का आते, वो जिनका मैसेज आया था, हाँ जिसका आपने मेरे को बताया था, है ना, इट्स ओके यार, कोई इशू नहीं है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हम फंस जाते हैं और नहीं निकल पाते, इट्स ओके, कोई टेंशन नहीं है, हम जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आप मेरे से जरूर मिलना, ठीक है, मैं भी पक्का आपसे मिलूंगी। लास्ट कमेंट मैं रीड कर रही हूँ, निहारिका पुरी ऑलवेज मस्त फॉलो, कड़ी पकौड़ा इज वेरी वेरी लुक लाइक यम, एकदम यम, थैंक यू सो मच यार इतना प्यार करने के लिए, इतने कमेंट्स करने के लिए, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए, मेरा खुद का भी दिल खुश हो जाता है जब मैं रात को आके कमेंट्स पढ़ती हूँ, आप लोगों के रिप्लाई करती हूँ तो मेरी आधी थकावट दूर हो जाती है। बस आप लोग ऐसे ही प्यार कर ही जाओ, ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट्स कर ही जाओ, मैं ऐसे ही व्लॉग्स बनाई जाऊँ बस, और कुछ भी नहीं। तो चलो इस कर देते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, होप सो आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट व्लॉग, टाटा बाय बाय।